नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में आपको एजुकेशन देता हूं, सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशंस देते हैं और सारे ही टॉपिक्स हमारे वेरीफाइड होते हैं। इंफॉर्मेशन ली जाती है डायरेक्टली US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, तो आप भरोसा कर सकते हैं इस जानकारी पे। आपके रिक्वेस्ट पे आज हम बात करने जा रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पे, एक और इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज। पिछली बार हमने आपको क्रॉन्स डिजीज के बारे में बताया था, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसी का भाई है। बेसिकली ये बीमारी क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे ठीक करते हैं, क्या प्रोग्नोसिस है, इन सारी चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में आज बात करेंगे। सो बने रहिए। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों, हमने पिछली बार देखा था क्रॉन्स डिजीज आपके लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है लास्ट पार्ट में और अर्ली लार्ज इंटेस्टाइन। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस भी एक इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज है, जिसमें कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलोन है और जो रेक्टम है, जो लोअर पार्ट है, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी क्रॉन्स डिजीज के जैसे इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज है। इसमें बेसिकली हो यही रहा है कि आपके बाउल यानी आपके इंटेस्टाइन यानी आपकी अतड़ियां इन्फ्लेम हो रही हैं, उनमें सूजन आ रही है, उनमें फाइटिंग हो रही है बैक्टीरिया के खिलाफ। बात सिर्फ इतनी है कि वहां पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, एलर्जिक रिएक्शन जैसा हो रहा है वहां पे। बैक्टीरिया के खिलाफ जो लड़ाई होनी चाहिए वो बिना बैक्टीरिया के, बिना एलर्जी के हो रही है। और ये कई दफा कई खाने पीने की चीजों से और कई दफा स्ट्रेस से बढ़ जाती है। सो ये एक इन्फ्लामेशन हो रहा है बिना उसके, और ये क्यों हो रहा है, क्यों होता है, किसमें होगा, इन सब के बारे में भी बताते हैं आपको। अगर आप बोले कोई एक रीजन जिसके वजह से ये होता है, ऐसा कोई एक पिन पॉइंट करने वाला रीजन नहीं है, फैक्टर्स हैं बहुत सारे। जैसे कि ऑब्वियसली ये इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी आपको नुकसान पहुंचा रही है धोखे से, कि भाई हाँ यहाँ कुछ होगा इसलिए यहाँ नुकसान हो रहा है। सो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, राइट? स्ट्रेस एक फैक्टर है, कुछ प्रकार के फूड्स इसको ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस या ये कुछ प्रकार के फूड्स के वजह से ये हुआ नहीं, ट्रिगरिंग अलग है और मेन रीजन कॉज अलग है। तो ये स्ट्रेस फूड से होता नहीं है, इसको देखा गया है कि इसका जो बेसिक रीजन है वो आपके जेनेटिक्स जीन्स में होता है, रिस्क फैक्टर होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है इस चीज की, तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यूइश जो लोग होते हैं उनको चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर उम्र में देखा गया है, जैसे कि 15 से 30 साल की उम्र के बीच में ज्यादा देखा जाता है और 50 से 70 में ज्यादा, वैसे किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन इनमें ज्यादा देखा जाता है। और ये आपकी अथड़ियों के नीचे का हिस्सा जिसे रेक्टम कहते हैं उसमें ज्यादा होता है, और वहां से शुरू होके फिर ये ऊपर फैलता है और पूरी बड़ी आंत को, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को ये जकड़ सकता है। सो ये एक्चुअली बीमारी है। अब होगा अगर ऐसा, अगर वहां होगी इन्फ्लामेशन, होगी सूजन, तो क्या होगा, सिम्टम क्या आएंगे, आपको तकलीफ क्या होगी, हर एक में अलग अलग तकलीफ हो सकती है। किसी में सूजन कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में आंत में इन्फ्लामेशन कम ज्यादा हो सकती है, किसी में धीरे 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 बढ़ सकती है, किसी में एकदम तेज हो सकती है। सो सिम्टम्स वेरी करेंगे अकॉर्डिंग, पेशेंट से पेशेंट को वेरी करेंगे, राइट? लेकिन क्या क्या हो सकता है इसमें, पेट में दर्द हो सकता है, आपकी नाभि के आसपास क्रैम्पिंग हो सकती है, गर्गलिंग सा, स्प्लैशिंग सा आवाज, साउंड आ सकता है पेट में से, इन्फ्लामेशन अथड़ियों में से, और स्टूल्स में, लैट्रिन में ब्लड आ सकता है, पस आ सकता है, डायरिया हो सकता है, किसी को थोड़ा सा डायरिया होता है, किसी को बहुत ही ज्यादा डायरिया होता है, किसी को बुखार आ सकता है, राइट? वेट लॉस हो सकता है, बिकॉज आपकी बड़ी आंत का काम है एब्जॉर्प्शन करना, बहुत सारी चीजें वहां से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी तो वेट लॉस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, तो एनीमिया हो सकता है। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आपको लैट्रिन आ रही है, बहुत ज्यादा जोर से स्टूल पास करने का आपको फीलिंग हो, लेकिन
जाएंगे तो कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि वहां पे सूजन है तो पानी निकलेगा तो वो लगेगा कि भरा भरा है तो फीलिंग आएगी, राइट। तो आप स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, पेन होगा, क्रैम्प होगा, लेकिन लैट्रिन नहीं होगी। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। बच्चों में जब ये होता है तो बच्चों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, और क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो कई दफा और भी कई आपके बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, आपके मुंह में छाले आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, आपको उबकाई आ सकती है, चमड़ी के नीचे आपके गांठें आ सकती है जो कि अल्सर भी बन सकते हैं। सो ये सारी चीजें हो सकती है इस बीमारी में। हर एक को सब कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। वो चेक करते हैं, अगर उन्हें शक लगता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है तो कंफर्म करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। टेस्टों में कोलोनोस्कोपी, क्योंकि बड़ी आंत की बीमारी है, बड़ी आंत को अंदर से देखना जरूरी हो जाता है, इसलिए अंदर से पाइप डाल के एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करके उसमें बड़ी आंत का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, जिससे कि डायग्नोस हो पता है कि हाँ आपकी बड़ी आंत में अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है। और अगर पता चल जाए कि आपको ये बीमारी है तो आगे चल के फिर यही जांच बार बार करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि आपको बड़ी आंत की बीमारी तो है, साथ में कैंसर तो नहीं बन रहा, क्योंकि आपके रिस्क बढ़ जाते हैं, कोलोन कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं इस बीमारी के साथ, क्योंकि वहां बार बार इन्फ्लामेशन होगा, कहीं भी बार बार इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन का मतलब वहां पे कैंसर, इरिटेशन से कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही इसमें और भी टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर, एंटीबॉडी टेस्ट, और स्टूल्स के लैट्रिन की जांच करते हैं लैक्टोफेरिन और कैल्प्रोटेक्टिन के लिए। कई दफा इसमें छोटी आंत की भी जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि आपको बड़ी आंत की अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है या क्रोन्स डिजीज है छोटी आंत वाला, तो ये दोनों ही की इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होते हैं। इसमें छोटी आंत के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या अपर एंडोस्कोपी, कैप्सूल एंडोस्कोपी, इनमें से कुछ भी किया जा सकता है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट इसके बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि इसको जड़ से निकाल दोगे, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि ये फिर से अटैक ना आए। इसके एक तरीके से अटैक आते हैं, एक्यूट अटैक होता है, उसको एक्यूट अटैक को शांत करना है, और दोबारा एक्यूट पेट में दर्द वाले अटैक्स ना आए, इन्फ्लामेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करना है, और जब हो गया तो उसको हील करना है, हील द कोलोन। तो ये तीन आपके गोल हैं ट्रीटमेंट के। जब ज्यादा बीमारी होती है, ज्यादा बड़ा एपिसोड होता है, तो आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है, और यहां तक कि खाना पीना बंद करके नसों से खून, न्यूट्रिएंट्स देना जो होता है, आईवी लाइंस लगा के वो देना पड़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीजें हैं जो कर सकते हो आप, जैसे डाइट और न्यूट्रिशन में हम इसमें देखा गया है कुछ प्रकार के खाने पीने की चीजों से आपका डायरिया ज्यादा खराब हो जाएगा, गैस ज्यादा बनेगी, पेट में ब्लूटिंग ज्यादा होगी, तो वो टाइप के खाने पीने की चीजें आपको बंद करनी है। ये हर एक में अलग होगी, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है कि इसमें ही होगा इसमें ही होगा, पर कुछ लोगों में ज्यादातर जैसे ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ऐसे सब्जियों से ज्यादा होती है, किसी को दूध से ज्यादा होता है, तो जो जिस चीज से आपको ज्यादा होती है आप वो बंद करेंगे, कम करेंगे, देखेंगे। और कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे खाना जो आप खाते हो इसको कम खाना है, बहुत कम कम खाना खाना है, दिन भर में ज्यादा बार खाना है, 3 बार खाते हो तो अब 6 बार खाओ, 8 बार खाओ और कम खाओ। पानी भी बहुत ज्यादा पीना है, लेकिन कम कम पीना है, ज्यादा बार पीना है, राइट। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा फाइबर नहीं खाना है, ब्रान, बीन्स, नट्स, सीड्स, पॉपकॉर्न्स कम खाने हैं, है ना। कोई भी फैटी ग्रीसी चीज, फ्राइड फूड, बटर, घी, बटर मक्खन, मलाई कम खाना है। दूध या दूध के प्रोडक्ट, अगर आपको दूध से दिक्कत होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है या पेट में गैस बनती है, तो वो कम करना है, ठीक है। पी पा रहे हैं कोई भी चीज तो वो ले सकते हैं दूध का प्रोडक्ट। स्ट्रेस कम रखना है, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस हो, बड़ा वरी हो, एम्बेरसमेंट हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, कोई जॉब छूट जाए, कोई झगड़े हो जाए, कोई भी बड़ा स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपकी ये बीमारी का अटैक फिर आएगा, दिक्कत बढ़ जाएगी।
क्योंकि स्ट्रेस बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर देता है, इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जहां जहां नहीं भी होना है वहां वहां इम्यून एक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एक्सरसाइज करनी है। फिर बात करते हैं दवाइयों की। दवाइयां दोस्तों, बिल्कुल जैसे हमने आपके क्रॉन्स डिजीज की दवाइयां बताई थी, कुछ कुछ सिमिलर दवाइयां हैं। 5-अमाइनो सैलिसिलेट्स जैसे कि आती हैं, सल्फासलाजीन, मेसलमीन, ये दवाइयां आती हैं जो कि मॉडरेट सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। इन दवाइयों को ओरली गोलियों के हिसाब से भी दी जाता है, नीचे से एनस से रेक्टम से भी डाला जाता है। और इम्यून सिस्टम सप्रेस करने की दवाइयां आती हैं जैसे कि प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिकोस्टीरॉइड, स्टीरॉइड्स होते हैं, इनको भी नीचे से या ऊपर से लिया जा सकता है। स्टीरॉइड्स ओनली सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लिमिटेड पीरियड के लिए देते हैं, एक्यूट रिएक्शन कम करने के लिए। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं जैसे कि एजिथ्रोप्रून या फिर 6 MP, और ये बेसिकली खिलाए जाते हैं आपको दवाई, और ये बेसिकली आपके इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा सा दबाते हैं। अगर इन सबसे भी इलाज सही से नहीं हो रहा, आराम नहीं आ रहा, तो बायोलॉजिकल थेरेपी भी अवेलेबल है। और अगर दर्द है या दिक्कत ज़्यादा है पेट में, तो एसिटामिनोफिन या पैरासिटामोल आप ले सकते हैं। अवॉइड करें किसी भी प्रकार का एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि एस्पिरिन, ब्रूफिन, डाइक्लोफिनेक, नेप्रोक्सिन, इन सबको अवॉइड करें, इनसे दिक्कत गैस बढ़ेगी। और अल्टीमेटली अगर दिक्कत बहुत ही हो रही है, बार बार अटैक आ रहे हैं, आपके कोलोन में डैमेज हो रहा है, बार बार होगा तो डैमेज होगा इतना ज्यादा होगा तो हो सकता है वहां पे डैमेज ज्यादा हो जाए और आपको ऑपरेशन कराना पड़े, कभी कभी आँख फट भी जाती है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, और जितना हिस्सा डैमेज है उसको निकालना पड़ता है, कभी कभी पूरा कोलोन भी निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा दिखता है अगर एंडोस्कोपी में कि वहां ज्यादा बड़ा अल्सर या ऐसा कोई कैंसरस ग्रोथ बन रही है, तो उसको निकालना तो जरूरी है। सो सर्जरी क्यों करनी पड़ेगी? अगर आपकी दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, अगर आपके कोलोन की लाइनिंग में कोई कैंसर जैसा चेंजेस दिख रहा है, अगर प्रॉब्लम ही बहुत ज्यादा सीरियस है, सिवियर है, और आंत आपकी फट गई है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आंत में इतनी ज्यादा सूजन है कि पेट मेगा कोलोन जैसा हो गया है, टॉक्सिक मेगा कोलोन, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ज्यादातर ऑपरेशन के दौरान पूरा का पूरा बड़ी आंत जो होती है, पूरी बड़ी आंत निकालनी पड़ती है रेक्टम के सहित। तो जब ये निकाल देते हैं तो आपकी जो लैट्रिन है उसको बाहर आने के लिए पेट में छेद करना पड़ता है, स्टोमा बनाना पड़ता है, इलियोस्टॉमी, उसमें से फिर आपकी लैट्रिन आती है बाहर। और लेटर ऑन धीरे धीरे बाद में फिर छोटी आंत को ही आपके एनस से जोड़ दिया जाता है ताकि नॉर्मल बॉबल मोशन हो। तो ये सब चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें हैं इलाज में दोस्तों, और हर एक केस में अलग इलाज होता है। किसी को इतने बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को इन सब से भी पूरी तरह आराम नहीं होता। हाँ, लेकिन जब पूरी आंत निकाल दिया जाता है तो क्योर हो जाता है, अगर सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो, राइट? ये तो है, लेकिन वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में। अगर माइल्ड सिम्टम है तो उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही मैनेज किया जा सकता है। देखा गया है कि सीरियस सिवियर सिम्टम वाले ही दवाई को कम रिस्पॉन्ड करते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना? और जैसा मैंने बताया, इस कंडीशन में कोलोन कैंसर का रिस्क जरूर बढ़ जाता है, और हर 10 साल में, हर डेकेड में बढ़ता जाता है जब भी आपको ये डायग्नोस होती है। सो इलाज जरूर करवाइए, अगर इलाज नहीं कराएंगे तो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आपकी आंत छोटी हो सकती है, नैरो हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपके स्किन में आंत के अंदर छेद हो सकता है, चीरा आ सकता है, खून की कमी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, न्यूट्रिशन नहीं होगी बिकॉज ऑफ दैट, और हड्डियों के साथ साथ वजन कमजोर हो सकता है, वजन घट सकता है, बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी, अगर बच्चों को हुआ है एनीमिया होगा, और आर्थराइटिस, लिवर प्रॉब्लम, आपके पैरों में सूजन, जोड़ों में सूजन, आपके चमड़ी के नीचे गांठें, आंखों में सूजन, ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, ब्लीडिंग हो रही है, बुखार नहीं जा रहा है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई भी सिम्टम दिख रहा है, जाके जांच कराइए, बहुत जरूरी है रेगुलर जांच कराना इस चीज के लिए भी। इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, जेनेटिक फैक्टर है, तो इसीलिए अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। सो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात करें और
अगर वो नहीं समझा रहा तो दूसरे पे जाइए। ये बीमारी खतरनाक है, लेकिन इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से मैनेज किया जा सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, अच्छी नींद, अच्छी एक्सरसाइज से मैनेज किया जा सकता है। इसके साथ आराम से जिया जा सकता है। इस बीमारी को प्रोक्टाइटिस भी कहते हैं, अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो ये सारी हुई जानकारी दोस्तों, आई होप इससे मदद मिली होगी। मिली है तो इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। मैं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।